हमारा खाना इधर और उधर छोटू का, तो हम लोग का खाना निकल गया है। अब शुरू करते हैं खाना खाने का। अब देख सकते हैं दाल भात और साग है, और देख सकते हैं दोस्तों डाला भी खोलने का अभी शुरू कर दिया है छोटू। अपना गाड़ी लगा दिए यहाँ पे और डाला उला खोल रहा है, रस्सी खोल रहा है छोटू। जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, आपके दुआ से हम भी ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का न्यू ब्लॉग। गुड मॉर्निंग दोस्तों, सुबह का 7 बज गया है और अभी देख सकते हैं अपना गाड़ी नखर की ज्वेलरी में है। पिछले ब्लॉग में देखे हुएगा कि अपना डेरा पर गए थे, वहाँ पे लिट्टी उट्टी बनाए थे और वहीं से खा करके रात में ही चले आए थे, गाड़ी में ही आ करके रात को सो गए थे। और अभी चलते हैं दोस्तों चाय पीने के लिए हम छोटू, और देखिए इधर डब्बा लिए हुए हैं पानी लेने के लिए, क्योंकि खाना बनाना होगा अभी यहीं पे बना लेंगे, क्योंकि हमको रहना पड़ेगा यहीं पर। कब लोडिंग लगेगा नहीं लगेगा इसका कोई गारंटी नहीं है, तो हम खाना अपना गाड़ी में ही बना लिया जाएगा। तो ठीक है दोस्तों चलते हैं अभी चाय पीने के लिए। दोस्तों चलते हैं, सामने सब्जी कुछ मिल रहा है तो ले लिया जाएगा सब्जी, देखते हैं क्या मिलता है। दोस्तों अभी साग मिल रहा है तो साग ले लिया जाए, एक मुट्ठी दे दीजिए। हाँ लाल वाला नहीं है, हिस्सा आगे आज बनाया जाएगा। दोस्तों हम जा रहे हैं दुकान पे, वहाँ से पानी अपना लेके चला आएंगे। ठीक है दोस्तों जाते हैं वहाँ पे पानी ले लेंगे। छोटू अपना गया है पानी लेने के लिए, हम चलते हैं चाय पीने। छोटू अपना पी लिया है चाय। दोस्तों राशन पानी तो अपना ले आए हुए हैं और जब तक सत्तू घोर लेते हैं। ठीक है, देख सकते हैं सत्तू भी अपना लेके आए हैं और मरचाई प्याज काट रहे हैं, तो सत्तू अपना घोर लेते हैं तो के बाद खाना भी अपना बनाया जाएगा। दोस्तों सत्तू तो अपना घोरा गया हुआ है, देख सकते हैं जंजीरा और नींबू भी मिला दिए हैं और इधर प्याज और मिर्चा काट के रखे हुए हैं। ठीक है दोस्तों अब सत्तू अपना निकालते हैं। दोस्तों अपना सत्तू रेडी हो गया है, देख सकते हैं एकदम मस्त, तो अब सत्तू पिया जाए। अपना खाना बनाने का शुरू करते हैं। तो ठीक है दोस्तों गैस अपना जलाते हैं, और दोस्तों गर्मी किया हुआ है बहुत ज़्यादा, तो इसीलिए छोटू को बोले हैं कि सत्तू पी लो, एक एक गिलास सत्तू पी लिया जाए या फिर खाना बना लो, और जल्दी बना लेंगे तो ठीक रहेगा, नहीं तो और ज़्यादा दोपहर में गर्मी कर देगा। तो देखिए अभी छोटू अपना देख सकते हो दोस्तों चावल का पानी अपना चढ़ा दिए हुए हैं। छोटू अपना उधर चावल चढ़ाया है, जब तक हम इधर साग को तोड़ लेते हैं, काट लेते हैं, इसको बना करके रेडी कर देते हैं। और आज बनेगा दाल भात साग। तो ठीक है दोस्तों बने रहिए वीडियो में। दोस्तों देख सकते हैं चावल अपना बन के एकदम तैयार हो गया हुआ है। ठीक है दोस्तों चावल अपना पसाते हैं, दाल का पानी भी अपना चढ़ा दिए हुए हैं और इस पर अदहन भी अपना खोल गया हुआ है। तो ठीक है दोस्तों दाल अपना आप डालते हैं, धो कर भी दाल रेडी कर लिए हुए हैं, तो दाल अपना इसमें डालते हैं। दाल भी अपना बनकर तैयार हो गया हुआ है। तो ठीक है दोस्तों दाल अपना उतारते हैं और इस पर कलछुल चढ़ा रहे हैं दाल छौंकने के लिए। चावल दाल तो अपना बन गया हुआ है, अब बच गया साग। तो ठीक है दोस्तों देख सकते हैं अब साग बनाने का शुरू कर रहे हैं। इधर प्याज लहसुन मिर्चाई भी अपना काट लिए हुए हैं और कढ़ाई भी अपना चढ़ा दिए हुए गर्म होने के लिए। साग भी अपना बन के एकदम तैयार हो गया हुआ है। तो ठीक है दोस्तों अब ये भी उतार दे रहे हैं साग अपना। दोस्तों अभी दिन का 12 बज गया है और अपना खाना बन करके रेडी हो गया है और छोटू अपना खाना निकाल भी रहा है। तो देख सकते हैं इधर चावल निकाल रहा है छोटू, हमारा खाना इधर और उधर छोटू का, तो हम लोग का खाना निकल गया है। अब शुरू करते हैं खाना खाने का, और देख सकते हैं दाल भात और साग है, मस्त एकदम हरा हरा साग। तो ठीक है दोस्तों इधर देख सकते हैं अचार भी है और छोटू का भी उधर, शुरू करते हैं हम लोग खाना खाने का। एकदम मस्त खाना है, एकदम दाल भात और साग। तो ठीक है दोस्तों खाना खाते हैं फिर मिलते हैं। शाम का 4:30 बज गया हुआ है, अभी थोड़ा ये सब झाड़ झूर लेते हैं तो चलते हैं गैस बढ़ाने के लिए। तो अपना गैस भी खत्म हो गया हुआ है तो चलेंगे आगे माटी कराओ गैस भराने के लिए। ठीक है दोस्तों और हम चलते हैं अभी नहाने के लिए, थोड़ा नहा करके आ जाते हैं जब तक छोटू अपना गैस भी भराने जाएगा। और पौधान उदान भी झाड़ रहा है, देख सकते हैं थोड़ा बहुत गंदा हो गया है। तो
ठीक है दोस्तों, चलते हैं अभी हम नहाने के लिए, छोटू अपना गैस भराने के लिए। दोस्तों गए थे नहाने के लिए लेकिन पानी ख़त्म होने के कारण हम लोग नहा नहीं पाए, और देख सकते हैं ये भैया भी गए थे साथ में। तो एक छोटा सा चाय दुकान है और वहाँ पे उसके पास सहरा है और वो बोला कि आज पानी नहीं चला है। तो ठीक है अभी चलते हैं, पहले चाय पीते हैं उसके बाद देखा जाएगा, डेरा पर देखा जाएगा शाम को। तो ठीक है दोस्तों चलते हैं हम और भैया, और आगे चाय दुकान है वहीं पर चाय पिया जाएगा। दोस्तों अभी फाइनली आ गए हैं बागमारा डेरा पर, देख सकते हैं इधर डेरा, और छोटू अपना आया नहीं आज, बोला है कि भैया आज खाना बचा हुआ है दिन का कि हम यही खा लेंगे, हम रह जाएंगे यहीं पर गाड़ी पर। तो हम बोले कि ठीक है अब रह जाओ यहीं पर, खाना उना जो बचा हुआ है वही खा लो, चावल दाल और चोखा साग बचा हुआ था, चोखा नहीं था। तो ठीक है दोस्तों छोटू अपना रह गया है और आए हैं तो चाय मिल गया, और अभी चलते हैं नहाने के लिए। तो पहले यहाँ पर चल के अभी नहा लेंगे, यहाँ पर पानी भी चल रहा है, पानी का तो सबसे ज़्यादा झारखंड में दिक्कत होता है लेकिन अभी पानी चलना शुरू हुआ है यहाँ पर, तो अभी चलते हैं नहा लेते हैं फिर। दोस्तों नहा धोवा करके रेडी हो गए हैं और रात का 10:30 बज गया अभी, और अभी चलते हैं खाना भी खाया जाएगा क्योंकि खाना भी अब निकलना शुरू हो गया है। तो ठीक है चलते हैं खाना खाते हैं फिर। राहुल खाना निकल रहा है, दोस्तों देख सकते हैं अपना खाना भी निकल गया है, इधर चाचा का और उधर राहुल का। तो ठीक है शुरू करते हैं खाना खाने का। और नेनुआ का सब्जी है इधर, इधर है आलू बैंगन का। दोस्तों रात का 11 बज गया है और खाना पीना हम लोग का हो गया है, तो अब चलते हैं आराम करते हैं और मिलते हैं फिर सुबह सुबह। गुड मॉर्निंग दोस्तों, सुबह का 7:30 बज गया है और अभी हम डेरा से चल करके अपना गाड़ी पास आ गए हैं, और ब्लॉग का दूसरा दिन है और छोटू अपना गाड़ी इधर लेकर के आया था और उधर लेबर लोग छांट रहा है माल सामने में, वहीं पर अपना गाड़ी लगेगा। तो ठीक है अभी चलते हैं गाड़ी लगाने के लिए, और नींबू भी लेकर के आ गए हैं सत्तू घोलने के लिए। और भैया आ रहे थे तो भैया कॉल किए थे तो हम बोले नींबू अपना लेते आ जाइएगा क्योंकि सत्तू है अपना बचा था। ठीक है दोस्तों सत्तू जब तक घोल लेते हैं, और हम पहले गाड़ी लगा लेते हैं लोडिंग के लिए। तो ठीक है दोस्तों, और देख सकते हैं दोस्तों डाला भी खोलने का अभी शुरू कर दिया है छोटू, अपना गाड़ी लगा दिए यहाँ पे और डाला उला खोल रहा है, रस्सी खोल रहा है छोटू। दोस्तों अभी हम लोग मुंह हाथ धो करके भी रेडी हो गए हैं, और इधर देख सकते हैं छोटू भी अपना मिर्चा प्याज काट लिया, अब सत्तू घोलने का काम शुरू करेगा। देखिए एकदम मस्त एकदम सत्तू बनेगा, जलजीरा और नींबू और नमक अब डाल रहा है छोटू। दोस्तों देख सकते हैं सत्तू अपना एकदम मस्त घोरा गया हुआ है, और इधर प्याज और मिर्चा भी अपना काट के रखे हुए हैं, तब गिलास में डालते हैं। देख सकते हैं सत्तू भी घोरा गया है और सत्तू भी अब पीने का शुरू कर दिया है। अब देखिए छोटू भी अपना सत्तू पीना शुरू कर दिया है। दोस्तों वीडियो को भी यहीं पर एंड करते हैं और मिलते हैं फिर अगले ब्लॉग में, तो तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।